तो भाई लोगों, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, बड़े लंबे नाम वाली, बड़े लंबे इंतजार के बाद जो है थिएटर में आ चुकी है। तो कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है गौरव और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो भाई, जिस कंट्री के अंदर सेक्स टॉय बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, उस कंट्री के अंदर शिप्रा जैसी खूबसूरत रोबोट वाली मूवी चल पाएगी। लेकिन भाई, मूवी के अंदर शिप्रा को देखकर लोग एक ही बात कहेंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बॉलीवुड कुछ नया ट्राई किया, साइंस फिक्शन कॉमेडी रोमांस। देखो, 2 घंटे 20 मिनट की लंबी एक सूखे पड़े हुए फरवरी के महीने में लंदन के लिए एक सेक्सी रोबोट वाली मूवी आई हुई है। तो आज इसका जो है रिव्यू करेंगे, तेरी बातों में ऐसा उलझा जी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मूवी की शुरुआत से पहले जो है कीर्ति सेनन की जो तारीफ करनी पड़ेगी भाई, क्या रोबोट है। ऐसी रोबोट जो है अगर इंडिया में आ गई तो घर तोड़वा सकती है, तलाक भी करवा सकती है। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि क्या फुद्दूसी मूवी है, शाहिद कपूर की इतनी पुअर एंट्री की पूछो मत। फिर 15-20 मिनट के बाद जो है कीर्ति सेनन की एंट्री होती है, भाई साहब क्या दिखाया गया है, सब कुछ भूल जाते हैं। मूवी की सबसे अच्छी बात, साईफाई डिटेलिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है। शिप्रा का वो फेशियल एक्सप्रेशन, वो मजबूरी चार्जिंग होने वाली, जब वो खाना खाती है तो चबाती नहीं है, और जब जो है उसको अमेरिका से लाया जाता है तो बक्से में रखकर वो सारी परमिशन वगैरह लेना, मतलब कि एक एक चीज की जो है छोटी छोटी चीजों को जो है डिटेलिंग की गई है। अगर हम बात करें कॉमेडी की, तो शिप्रा के बिना जो है कॉमेडी एकदम फीकी लगती है। लेकिन सेकंड हाफ में जब शाहिद कपूर को शिप्रा से प्यार हो जाता है और अब वो चाहता है कि मेरे बच्चों की जो है माँ शिप्रा ही बनेगी, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये एक रोबोट है, तो क्या आदमी तो चूतिया है जो कि अपनी फीलिंग के लिए सब कुछ करेगा। इसमें जो इनसाइडर जोक्स हैं वो मेनली मर्दों के लिए ही है। जैसे कि एक सीन होता है, शिप्रा बोलती है पहली रात करने के बाद कि ये मेरा जो है पहली बार था, तो वहां पर जो है शाहिद कपूर थोड़ा रुकता है और थोड़ा ऑकवर्ड सा फील करता है और बोलता है हाँ ठीक है। मूवी के जो गाने हैं वो काफी अच्छे हैं, मैंने जो है यूट्यूब पर भी सुने हैं। मूवी में कोई किसिंग सीन वगैरह नहीं है, तो आप जो अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। कोई बिकनी वगैरह का कोई न्यूडिटी सीन भी नहीं है। बाकी अगर वैलेंटाइन डे वीक में अगर कुछ देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये मूवी परफेक्ट है। बाकी इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक डिसलाइक कमेंट कुछ तो करके जाया करो। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।